हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं कद्दू के फूल की रेसिपी लाई हूँ, जिससे हम पकौड़े बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बनेंगे। तो रेसिपी को आप पूरा देखें। इसके लिए मैंने कद्दू के फूलों को अच्छे से धो लिया था। अब इसके लिए हम घोल बना लेंगे बेसन का, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा। ये ऑप्शनल है तो डालें, नहीं तो बेसन से भी बन जाएगा, पर चावल के आटे से ज़रा कुरकुरे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा चावल का आटा डाल दिया है। एक बड़ा प्याज डाल दिया है और दो तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सबको इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मसाले भी ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा डाल रखी है, इसलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है। और थोड़ा सा मैंने इसमें सब्जी मसाला भी डाल दिया है, और अमचूर पाउडर है तो थोड़ा सा वो डाल दें, मेरा अमचूर पाउडर ख़त्म हो रहा था, नहीं तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मसाले तो अपने टेस्ट के अनुसार आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने ये मसाले डाले थे, और अब मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दूँगी और थोड़ा सा साबुत जीरा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे हम मिक्स करते रहेंगे, और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए हमको, ना बहुत पतला चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे बढ़िया करके, ताकि बेसन भी हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम फूले फूले से हमारे पकौड़े बनेंगे। तो ये देखिए, अब हमारा बैटर तैयार है। इसी तरीके का बनाना, हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ताकि फूलों में जो भी हमारा मसाला है, ये बेसन है, अच्छे से उसमें लग जाए। और तो इस तरीके से हमने इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो इसको रख देते हैं साइड में, और तब तक हमने गैस में कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, उसमें डाल दिया है तेल। तो तेल गर्म हो रहा है, अब हम देख लेते हैं फूलों को। ये देखिए, फूलों को ऐसे करके हल्के से इसको अलग अलग पीसों में काट लेंगे। पूरा साबुत भी बना सकते हैं, पर बहुत बड़ा हो जाएगा वो, इसलिए मैंने इसके तीन चार पीस ऐसे लंबे लंबे काट दिए हैं। देखिए, इसके पीछे अगर डंडी है तो उसे आप हटा देंगे। तो इस तरीके से हम इसके पकौड़े बनाएंगे। तो पहले इनको हम सब बराबर करके काट लेते हैं। तो हमने फूलों को अच्छे से बराबर पीसों में काट दिया है, तो अब हम इनको बनाते हैं। तो हमारा बैटर तैयार है, देखो इतना बैटर में हमने इसको डाल दिया है, फूलों को एक एक करके, और चम्मच से उसको मिक्स करके हम इसको तेल में डाल देंगे। तेल हमारा गर्म ही होना चाहिए, तो एकदम से फूल जाते हैं ये और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को आप भी ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि कद्दू की फूलों का वैसे तो कोई काम होता नहीं है, तो हम इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं, और अगर घर की चीज़ों से बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता ही है। तो आप ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि बाकी पकौड़े तो सभी लोग बनाते ही हैं, आलू के, प्याज के, गोभी के। तो आप एक बार कद्दू के फूलों के पकौड़े ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपके घर में बेल है कद्दू की, तो उसमें से आप फूलों को तोड़ के उनके पकौड़े ज़रूर से ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और एकदम से बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इस तरीके से आप कद्दू के फूलों से भी रेसिपी बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि पकौड़े वगैरह बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करें। तो अब इसके लिए हम चटनी बना लेते हैं। तो मैंने तवे को गर्म कर लिया था, इसमें मैंने मूंगफली डाल दी थी, मैंने मूंगफली की चटनी बनाई थी, तो मैंने मूंगफली को अच्छे से भून लिया था इसमें, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है मूंगफली की चटनी। तो आप इसके साथ मूंगफली की चटनी या धनिया की चटनी बना सकते हैं, पर मैंने मूंगफली डाल के बनाई थी, तो बच्चों को भी पसंद आती है, तो मैंने इस तरीके से बनाई थी। तो अच्छे से भून लेंगे, मूंगफली हमारी भून चुकी है। इसमें मैंने थोड़ा जीरा भी डाल दिया था भूनने के लिए, ये देखिए मूंगफली और जीरा भून गया है। अब मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया था, तो इसको हम अच्छे से पीस लेंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था ये खट्टे के लिए, चूक था मेरे पास,
वो डाल दिया है। आप इमली भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे ये नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, आप ज़रूर से ट्राई करें। तो हमारे पकौड़ों के साथ मूँगफली की चटनी तैयार है, तो बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे से पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया इनका और टेस्ट भी उतना ही बढ़िया था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं। अगर आप कद्दू के बेल वगैरह लगाते हैं अपने घर पे, तो अगर मैं फूल हैं तो उन फूलों के पकौड़े आप ज़रूर से ट्राई करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो कितना बढ़िया कलर आया है और एकदम कुरकुरे बने हैं। तो आप भी ज़रूर से बनाएं, सबको खिलाएं, और चटनी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। अगर आप मूंगफली की चटनी नहीं बनाते हैं तो धनिया की चटनी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने बढ़िया बने हैं। ये देखिए अंदर तक एकदम पके हुए हैं अच्छे से। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।